मशीन मैंने 2018 में लिया है, लमसम इसका 4 साल हो चुका है। ये बच्चा वर्किंग कर रहा है यहाँ पे। ये पूरा लॉन इसी से मेंटेन होता है सर? इसी से मेंटेन करता हूँ। ये जितना वर्क आप देख रहे हो ना गार्डन के अंदर, बिल्कुल ये सारा ग्रास का कटिंग ही करता है। अच्छा, घास वगैरह उठाना भी तो दिक्कत थी पहले, वो खत्म होगी? हाँ, वो सब तो खत्म हो गया। इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, इसको उठाने की जरूरी नहीं है। ये घास कट के इसका एक फायदा ये होता है, ये जो पार्क है, पार्क के अंदर जो फर्टिलाइजर डालना होता है जी, वो बहुत कम डालना पड़ता है, क्योंकि ये छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद ये खुद फर्टिलाइजर बन जाता है। ये बात सही है, ये इस मशीन की खासियत है जी सर। पर बारिश वगैरह में कैसा चलता है? बारिश वगैरह में अगर इसको बारिश एक बूंद देख लिया कि बारिश एक बूंद भी इसके ऊपर आ गया, तो ये अपने आप अपने वक्त खरीद लेता है। चार्जिंग में जी, ये अपने हाउस को अपने ढूंढ लेता है। अच्छा, और वहाँ उसका चार्जिंग सुविधा है, वो जाके वो चार्जिंग होने लग जाता है। मतलब आप खुश हो? हाँ सर, मैं आपका काम कम हो गया? हाँ सर, मैं बिल्कुल खुश हूँ। काम काफी कम करना पड़ता है इसके लेके। सर्विस वगैरह टाइम पे करा ले करो इसका, फिर आपको और भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है सर, वो तो होते रहता है। सर्विस का टेंशन नहीं है। सर्विस जब इस पे सर्विस, इसमें अगर सर्विस की किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे यहाँ दिखा देता है, सिग्नल पे सर्विस मांग रहा, तो मैं उस टाइम पे सिग्नल इसका सर्विस करवा देता हूँ। मतलब ओवरऑल सैटिस्फाइड हो, खुश हो? जी जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।